हमसे पूछा गया है कि एक इशारिया पाँच दो किलोग्राम ग्लूकोज में कितने मोल्स होंगे तो सवाल पर जाने से पहले हम देख लेते हैं या आखिर मोल्स बला क्या है तो मोल्स किसी भी मॉलिक्यूल को नापने का तरीका है जैसे अगर आप किसी दुकान में जाते हैं किसी फल फरोश के पास जाते हैं उसको जाके कहते हैं कि भैया जरा एक दर्जन केले तो देना तो उस दुकानदार को फौरन पता चल जाएगा कि आपको बारह केले चाहिए इसी तरह अगर मैं कहूँ कि किसी मॉलिक्यूल का एक मोल तो मैं इतने एवक नंबर की बात कर रही होंगी। तो यहाँ सवाल में अगर हमारे पास है एक इशारिया पांच दो किलोग्राम ग्लूकोज तो अगर हमें ग्लूकोज का मोलर मैस पता चल जाए तो हम एक इशारिया पांच दो को उस मोलर मैस से तकसीम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे ग्लूकोज के मोल्स तो अब हमें देखना यह है कि ग्लूकोज का मोलर मैस कितना है तो ये करने के लिए हमें ग्लूकोज में मौजूद हर एलिमेंट का मोलर मास अलग से तलाश करना पड़ेगा और इसके लिए हमें मदद चाहिए होगी केमिस्ट्री के बेस्ट फ्रेंड यानी पीरियोडिक टेबल की तो सबसे पहले हम कार्बन को ले लेते हैं पीरियोडिक टेबल हमें बताता है कि कार्बन का मोलर मास है बारह इशारिया जीरो एक ग्राम पर मोल इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन के मोलर मास की बात करें तो हाइड्रोजन का मोलर मास है एक इशारिया जीरो जीरो आठ ग्राम आखिर में रह जाता है ऑक्सीजन और पीरियोडिक टेबल के मुताबिक ऑक्सीजन का मोलर मास है सोलह ग्राम पर मोल तो अब हमारे पास वो सारी मालूम है जो हमें पीरियोडिक टेबल से चाहिए थी तो पीरियोडिक टेबल का और हमारा साथ यहीं तक ही था तो अब अगर हम ग्लूकोज के मोलर मास की बात करें तो वो निकालने के लिए हमें 12 को जरब देना पड़ेगा 6 के साथ एक इशारिया जीरो जीरो आठ को जरब देंगे 12 के साथ और 16 को जरब देंगे 6 के साथ इन सब को जब हम आपस में जमा कर देंगे तब जाके हमारे पास आएगा ग्लूकोज का मोलर मैस तो ऐसा करने के लिए हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं और ये इसको करते हैं हमारे पास जवाब आता है एक सौ अस्सी इशारिया एक छ ग्राम यानी अब हमारे पास एक ग्लूकोज के मोल का मैस आ चुका है तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम बता सकते हैं कि एक इशारिया पांच दो किलोग्राम में कितने मोल होंगे तो पहले हम एक इशारिया पांच दो किलोग्राम को ग्राम में तब्दील कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी जो हमारे पास एक मोल का मैस आया है वो ग्राम में आया है तो ऐसा करने के लिए हम एक इशारिया दो को एक हज़ार से ज़रब दे लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक हजार सौ बीस ग्राम ग्लूकोज इस सवाल को हल करने के लिए मुझे ये आसान लगता है कि हिसाब में पड़े गए यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करो जैसे अगर आप देखें तो यहाँ अगर एक सौ अस्सी इशारिया एक छ ग्राम बनाता है एक मोल तो एक हजार पांच सौ ग्राम बनाएगा कितने मोल्स? तो हम दोबारा यहाँ कैलकुलेटर को निकाल लेते हैं अच्छा अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सवाल वाले नंबरों में हमारे पास या तो तीन हिंसे हैं या पांच तो जो भी जवाब आएगा उसको भी हम तीन हिंसों में ही लिखेंगे आठ इशारिया चार चार मोल्स यानी एक इशारिया पांच दो किलोग्राम में होंगे आठ इशारिया चार चार मोल्स अच्छा एक बात मैं आपको आपकी आसानी के लिए बता दूं कि केमिस्ट्री में आप जब भी मोल्स के साथ कोई हिसाब किताब करेंगे तो उसमें आपको यूनिटरी मेथड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा तो अगर आप ये वाला मेथड भूल गए तो मेरा आपको मशवरा है कि आप एक बार जरा हिसाब की वीडियो में जाकर ये वाला मेथड सीख लें ताकि आगे आपके लिए मोल का हिसाब किताब करना ज्यादा मुश्किल ना रहे